लो भाई, जिया नू ते युवराज भा जी, कपिल भा जी ते ते हैजल हैजल भा जी हैजल भाजी आप हैजल भाभी हैजल पर उन्हों का आप वेख रहे हैं कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो। भाजी मैं इस तो आख्या सी क्योंकि युवराज भाजी ने आख्या सी बंदिया वांग चल दी हाँ बंदिया वांग बिल्कुल टोपी आने सही पर है चढ़ जी, गए तोड़ चलो के भी उखाया सी। हाँ अजकल तो वो टिकटॉक के टुरन वाले ही फिर बड़े होए पे ने वायरल, वो जो इंजे करके टुरन डे। अच्छा मैं वेखिया वो तो अलावा एक होर कई बंद ने बनाई है बड़े, उन्होंने व्यू मिलियंस आए ने। मैं क्या आप कश्मीर उसे पहाड़ों के इंजे टुरते ना उसे साउंड तो बड़ा मजा आना से, हादसा भी बड़ा होंगे वो उन्होंने इंडियन यार। एक प्लेयर है, उन्हें कोहली की नकल लाई कि कोहली किवें तुरदा, फिर कोहली ने ओदी ला के विखाई के किवें तुरदा। और कोई मेरे दोस्त जी, भाई साहब जी विलेन। अरे वाह यार वाह, शुरुआत में तो आपने पहले ही प्लान कर रखा है कि ऐसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद दिक्कत शुरू होगी सारी। दिक्कत क्या आप हो जैसे गई? मुझे टोपी पहना के लाई है आपकी बीवी क्यों? टोपी ये देखो ना, अब शुरुआत में तो शादी से पहले तो आपने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के मार दिए थे, और शादी के बाद तो फिर आपको सोचना ही पड़ेगा छक्के मारने के लिए। माइक आपसे पकड़न जा रहा है, वो भी पकड़ा रही है, सोचो नहीं, 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 आप कितने हेल्पलेस हो रहे हैं। बीवी ने शादी से पहले टोपी पहनाई थी, अब बाद में पहनाई है ना, अभी उससे पहले जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अभी तो बहुत टोपियां चेंज हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने इनको टोपी पहना दी है, बहुत खुश हैं, बच्चे हैं हमारे दो, और क्या कहते हैं, लाइफ बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। कहाँ से हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से जी सर। अच्छा अच्छा, तो बच्चों को नहीं लेके आए आप? बच्चों को नहीं लाए, उनके एग्जाम थे सर। जानबूझ के नहीं लाए, तीसरे की प्लानिंग तो नहीं कर रहे? मनाने आए क्या करते क्या गुड़गांव में भाई साहब आप? सर लेडीज सूट की शॉप है सर, शॉपिंग करते हैं और सूट लाते हैं इनके लिए। नहीं तो आप, आपकी खुद की दुकान है तो आपकी दुकान से नहीं लेती? भरोसा नहीं आप पे? नहीं देता हूँ बिल्कुल, एक एक सूट यहीं से लेती हूँ, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी नंदे सब यहीं से लेती हैं, और कहीं से नहीं लेते। आप फ्री में और कौन देगा? एक एक चीज यही ला के देते हैं। हाउ स्वीट, स्लीपर, चूड़ियां, बिंदिया, हर चीज यही लाते मेरी, और मेरे को बहुत 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 खुश रखते हैं। पर फिर तो बहुत अच्छे हस्बैंड है आपके, बहुत बहुत अच्छे हैं, और शायद यूवी भी बहुत अच्छे बनेंगे। और आपकी बीवी बहुत अच्छी है सर, एक ही आपके पास? इकलौती बीवी होंगी। चलिए भगवान आपका प्यार बनाए रखे, शुक्रिया। और आइए संभाल के, अरे बस बस बस, हाय ए रिंकू संतोष, ये किसकी खटिया उठा के लाए तुम लोग? ए तो बाजू में रैली चल रहा था, वहां से लूट के लाए। रिंकू संतोष याद आया, मेरी नानी का फोन का बिल बहुत ज्यादा आ गया, मुझे वो ठीक कराने जाना। अच्छा देखा, हमारे आते ही नानी अटा गया। देखो तुम लोग सिटी केबल का प्रोग्राम है ना जो, वो शुरू करो मेरे आने से पहले, ठीक है? पाजी सिटी केबल के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये लोग होस्ट करेंगे, आप इनका थोड़ा साथ देना। अगर कोई गलती करते तो बॉल समझ के मुंह पे बैट मारना, कोई चक्कर नहीं, तंग नहीं करना मेरे मेहमानों को। अरे नहीं नहीं कभी नहीं। चलो फटाफट लगाओ। हमारे साथ हॉट सीट पर हैं युवराज सिंह, और इधर बैठे हैं एक्सपर्ट हेजल, और साथ में हमने एक एक्स्ट्रा एक्सपर्ट बिठाया हुआ है संतोष, ये बैठी ही रहती हैं, खड़े होने में इनको 3 आदमी लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज का खेला, तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा। हेलो अच्छा मैं भाई मुझे बाल जलाना तुम्हारे, मुझे तुम्हारा सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरा दिल कर रहा है मैं जवाब लिफाफे में डाल के इसके मुंह में मारूं। पसंद क्या नहीं आया, अभी तो हमने सवाल पूछा ही नहीं है। मेरे से पूछ भी नहीं सकती थी, मेरे से कोई कुछ नहीं पूछ सकता। मैं आपको बताता हूँ, बचपन में एक बार मेरे मास्टर ने मुझे पूछा, कहता भारत की राजधानी कहाँ है, अगले दिन लोग पूछ रहे थे मास्टर कहाँ है। अरे यार ये हाथी तोलने वाली मशीन कौन रखे उधर? हमारा नाम संतोष है सर। अच्छा बेटे जितना गंदा मुझे तुम्हारा मुंह लगा, तुम्हारा नाम उससे भी गंदा है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। ये हेजल बहुत प्यारी बच्ची, बहुत ज्यादा पसंद आई। युवराज सिंह, युवराज सिंह के लिए जोरदार तालियां। मैं जितू साहब, ये युवराज सिंह है,
इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। युवराज ये सिद्धू जी है 1990 में बुखार यूनिट ने जीरो पे आउट किया था। मुझे बुखार यूनिट की यार तूने एक ही मेरा मैच देखा है वो जीरो पे मैं आउट हुआ, तू एक ही देखता रहता है यार। मैंने वो सीडी बना के रखी हुई है, मैं हर रोज देखता हूँ। मैंने कहा कभी तो मार का हर बार जीरो पे आउट होते हैं। बड़े गर्व कर रहा है यहाँ पर जितना लोग खेले में है वो काफी है, हमको एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत नहीं है। अच्छा खुद तू एक्स्ट्रा इनिंग की तरफ फैली हुई है, मैंने तेरे को कहा कुछ? अच्छा आपकी जयमाला जब होगी कहाँ डालोगे, गला तो है नहीं है। बहुत जोरदार अपमान कराया है, जोरदार गालियां इनके लिए। एक आज कोई बात नहीं, हमसे जो कहना चाहते हैं हमसे कहिए, लेकिन हमारा रिंकू भौजी के चेहरे पे आप कभी थूकिएगा नहीं। कहाँ थूक रहे हैं, वो आइडिया दे रही है थूकने का। अच्छा आपने की मुझे ये बात बड़ी पसंद है, एक मिनट इधर देखिए। अच्छा मैं मेरा ये सरकार से अनुरोध है ऐसे मुंह वालों के पायदान बनने चाहिए। आदमी गुस्से में 3-4 बार पैर साफ करके चला जाए। बेटे मैं कह रहा हूँ आत्थू। पहले मैं मेरे को कल जुकाम था, अगर कल आप मुझे मिलती ना मैं आप पे नाक रख देना। मुझे पसंद नहीं आया, बहुत ज्यादा खराब मुंह है बेटे। गेम शुरू करते हैं। पहला सवाल 50,000 रुपया की। जिंदगी 4 दिन की है तो टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों होता है? आपके ऑप्शन है टेस्ट मैच के बाप का राज है, बी टेस्ट मैच की माँ का राज है, सी टेस्ट मैच के चाचा का राज है, या टेस्ट मैच के राज का सिमरन। टेस्ट मैच का राज का सिमरन है। इनमें से कोई सही जवाब है क्या? मैंने पहले कहा था इसका मुंह ही गलत है, उसका सवाल कैसे ठीक हो सकता है। मुझे बेटे आपका चेहरा पसंद तो दूर की बात है, मेरे को वॉमिटिंग हो रही है। मेरे वॉमिटिंग हो रही है, मैं बहुत मुश्किल से रोका हूँ बेटे। मुझे आपका चेहरा इतना गंदा लगा, मैं तो कहता हूँ बेटे एक गिलास डीजल गर्म करके पी लो। डीजल अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ये ब्रेक के स्पॉन्सर हैं यू वीकेंड। एक मिनट बेटे डिसाइड कर लो जाना कहाँ है तुम्हें। ये तो चंदू ये तो चाय वाला अपना। ओ हेलो तुम्हें से ओ मेरी बात सुनो, आई एम मॉडल। ये मॉडल बन गया, हमारा तो इंसानियत से विश्वास ही उठ गया। देखिए अरोड़ा साहब मैं यहाँ पर यूपी के कपड़ों की ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे को मॉडल रखा हुआ है। अरे वाह कमाल, अभी हमने तो इस बार नौकर भी नहीं रखा, आपने मॉडल रख लिया। भाभी जी मैंने आपको कहा था मुझे आपका चेहरा नहीं पसंद आया, वो बात मेरी बिल्कुल ठीक थी, पर इसका चेहरा मैंने देखा आप मुझे मेडोना लगनी शुरू हो गई। अच्छा पाजी चलो मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन ये मडोना लग रही है, इसको बाहर 10 मिनट गर्म में खड़ा करो, अंदर से ना जिम कह रही निकल तो मुझे पकड़ देना। यूवी जी मानना पड़ेगा आप जो कपड़े बनाए हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसा आदमी भी इन कपड़ों में अच्छा लग रहा है, वरना ये आदमी सिर्फ एक चीज में अच्छा लगता है वो है हेलमेट। और मुझे छोड़ो तुम ये बताओ तुम्हारी सूंड कहाँ पे है? मुझे बड़ा मजा आया, ऐसे हमारे उधर पानी के टैंकर आते छोड़ के जाते। मॉडल तुम चलो यहाँ से, ब्रेक खत्म हो गया चलो। चलिए ब्रेक के बाद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम कुछ कर भी नहीं सकते आप। अब अगला सवाल बताइए, क्रिकेट में
ये इशारा किस चीज का होता है? हम भी काफी क्रिकेट देखे हैं, ऐसा इशारा कभी नहीं देखे है। मेरे को पसंद नहीं आया, सवाल ही पसंद नहीं आया। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारी उंगली अपने नाक में ले लूंगा। नहीं एक मिनट वही रुको, पिछले 8-10 साल से मैं कॉमेडी देख रहा हूं। इस 10 सालों में अगर कोई सबसे नंबर 1 कैरेक्टर है तो वो अरोड़ा साहब है। मुझे बहुत पसंद है। पर मैं आपको पसंद आया, पर मेरे को 1990 में मेरे को बहुत बुरा लगा जब आप जीरो पे आउट हो गए। मैं मेरा भी दिल करता कई बार जो देखना वा ना। बड़ी बारी एक बारी नी सिद्धू नू आ गया उन्हें अखीर ही करती है। आप वेखना लगी हूं खोल लो, चलो चेक करने वीडियो तो बाद आप वेख लेने। चलो और अगला पार्ट वेख लिए, अगला पार्ट थोड़ा ही रह गया, अगला पार्ट वेखिए। पर उस तो पहले असी वेखांगे एक बारी 99 वाला, 90s वाला, 90s में, 1990s में। हां 99 तो नहीं, 1990s, 90 वकार यूनस ओ होएगा, फेमस होएगा मेरे ख्याल। हां फेमस होगा, 93 आई थिंक। चलो चलो चेक कर लेने हैं जी, सानू लब्भा यूट्यूब ते फिर तानू भी अगले क्लिप च दिखाने हैं।